डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किए हैं। इस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.2 को पूरा क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को देखने के लिए दोस्तों, उसके पहले हम लोगों को थ्योरी जानना जरूरी होगा, थ्योरी समझना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरी 7.3 एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 7.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है। और उसके पहले, उस क्वेश्चंस के पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला याद रखना भी जरूरी है। देखते हैं कौन कौन से वो फार्मूला है जिसे याद रखना हमें जरूरी है। ठीक है, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये हम लोगों को एक्सरसाइज 7.3 के लिए थ्योरी है, यू बोले तो। ठीक है, यानी कि थ्योरी सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कुछ ट्रिगोनोमेट्री के इंपोर्टेंट फार्मूला देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, साइन एक्स कोस वाई। साइन एक्स कोस वाई रहेगा तो इसका फार्मूला लिखना है 1/2 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। दोस्तों देख पा रहे होंगे फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई का 1/2 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट, और ये सब फार्मूला आपको याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये सब फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, अगर दोस्तों साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो आपको माइनस को बाहर निकाल लेना है, माइनस साइन थीटा लिखना है। ठीक है, तीसरा फार्मूला ये बोलता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू। ये हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे कि साइन इनवर्स थीटा, यानी कि थीटा की जगह वहां पे एक्स होता था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता था। यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स थीटा। इसी से ये फार्मूला निकला है। कैसे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चार नंबर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद रखना है 1/2 वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पांचवा फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो पांचवा फॉर्मूला याद रखना होगा कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड। कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड अगर तीनों रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 ब्रैकेट कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू वाई प्लस
कॉस टू जेड प्लस वन। देखिए ये फार्मूला क्या बोला कि अगर कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड अगर तीनों अलग अलग रहेगा तो फिर हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो वन बाई फोर ब्रैकेट कॉस टू एक्स कॉस टू वाई कॉस टू जेड प्लस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठा नंबर फार्मूला। ये सभी फार्मूला का यूज है दोस्तों, इसलिए सभी फार्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद चीजों को अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। ये पांचवा है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठा। छठा कुछ इस तरीके से है, अगर यही साइन एक्स साइन वाई साइन जेड होता, साइन एक्स गुना साइन वाई गुना साइन जेड, तो इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस साइन टू वाई माइनस साइन टू जेड साइन टू जेड। ये हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सातवां नंबर फार्मूला कुछ इस तरीके से है, साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा का फार्मूला या तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्लास टेंथ के फार्मूला से वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, देख पा रहे होंगे साइन का क्यूब थीटा है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया साइन स्क्वायर और साइन में तोड़ दिया। अब ये साइन स्क्वायर है तो इसको कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कोस स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट, एक और फार्मूला होता है आठवां फार्मूला, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो थ्री बाई फोर साइन थीटा, थ्री बाई फोर साइन थीटा माइनस वन बाई फोर साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा। ये फार्मूला याद रखना है, साइन क्यूब थीटा का दो फार्मूला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो हम लोगों को तो दोनों फार्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना पड़ेगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ताकि हम लोगों को काम बनेगा। तो जितना भी फार्मूला आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नंबर फार्मूला था, चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। ये सभी ना ट्रिगो का फार्मूला है और ये सभी ट्रिगो का फार्मूला आपको क्वेश्चन में काम करने वाला है, काम आने वाला है, इसलिए चीजों को ना ध्यान से देखना है। नेक्स्ट नाइन नंबर फार्मूला, साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा का फार्मूला कितना होता है, एक बटा बत्तीस ब्रैकेट में थ्री साइन टू थीटा माइनस साइन सिक्स थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक बटा बत्तीस ब्रैकेट थ्री साइन टू थीटा माइनस साइन सिक्स थीटा, ये हम लोगों का फार्मूला बनता है। अगला दस नंबर फार्मूला, वन माइनस अगर दोस्तों कॉस थीटा रहेगा तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में टू। वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या, टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट इलेवन नंबर फार्मूला, वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बारह नंबर फार्मूला क्या है, तो बारह नंबर है साइन के पावर फोर एक्स इज इक्वल टू वन बाय एट ब्रैकेट थ्री प्लस
कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, ये हम लोगों का फार्मूला है। तो इस तरीके से आपको सभी फार्मूला को याद रखना होगा, और फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि ये सब सारे फार्मूले को यूज कैसे करना है। तो ये 12 नंबर फार्मूला आप नोट कर पा लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 13। तेरह नंबर फार्मूला का अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, कोस के पावर 4x, ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/8 ब्रैकेट 3 प्लस कॉस 4x और प्लस 4 कॉस 2x। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉस के पावर 4x का फार्मूला है और ये है साइन के पावर 4x का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर साइन के पावर 4x रहेगा तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, और अगर कोस के पावर 4x रहेगा तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं फार्मूला के बेसिस पे। नेक्स्ट 14 नंबर फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 15 नंबर फार्मूले का अगर बात करें तो कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट तीसरा फार्मूला दैट इज 16 नंबर, 14 15 16 तीनों जो है कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला है। एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये था दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो हम लोगों को काम करेगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में यही सब फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी कुछ फार्मूला है इंटीग्रेशन का जिसे हम लोगों को याद रखना जरूरी है। अब वो फार्मूला कौन कौन सा है जरा देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फार्मूला। पहला फार्मूला ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा अगर इंटीग्रेशन रहे और टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगर कहीं पूछ दे तो हम लोग इसका आंसर करते हैं लॉग के अंदर मोड में sec x प्लस टी। ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स का, सिर्फ टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग sec x प्लस टी, ये sec x जो है मोड में रहता है लॉग के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग sec x होता है, लॉग sec x होता है, और log sec x प्लस सी तो लगाना होता है इंटीग्रेशन में। तो याद रखिएगा, हम लोग जो है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log के अंदर मॉड में sec x। फिर उसी तरीके से याद रखिएगा cot x dx, यानी कि cot x का इंटीग्रेशन, तो log ब्रैकेट मॉड में sin x प्लस सी, यानी कि लॉग के अंदर साइन एक्स और फिर प्लस सी। तो ये कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और धीरे धीरे आप अगले एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे ना तो फार्मूला बढ़ेगा, नो डाउट फार्मूला बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे आप टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग sec x प्लस सी, cot x का इंटीग्रेशन क्या, तो log sin x प्लस सी। तीसरा में अगर बात करें तो sec x का इंटीग्रेशन, sec x का होता है इंटीग्रेशन दोस्तों
लॉग के अंदर, ये लॉग है के अंदर sec x प्लस tan x का मॉड प्लस c। देख लियो भाई, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log मॉड में sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट चौथा फार्मूला cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉड में cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस में c। ध्यान दीजिएगा, यहां पे sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा होता है, तो log sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन log के अंदर cosec x माइनस cot x प्लस में c। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो इन सभी फार्मूले को ना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस का, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करके और हम लोग कैसे चीजों को सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल में, आपको सॉल्यूशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। दोस्तों, जो कभी भी किसी का भी इंटीग्रेशन करना होगा, किसी का भी इंटीग्रेशन करना होगा, अगर वो फार्मूला पे है दोस्तों, तो आप फार्मूला पे लगाओ। ठीक है, फार्मूला उसको लगाओ। हम लोग साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 यहां पे देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, और dx तो होता ही होता है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और वो साथ में ऊपर बाहर में इंटीग्रेशन है। ठीक है, बात किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 1 cos 2θ। अभी हम लोग पढ़े ना, देख लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये चीज होता है, ये चीज होता है। आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन 1/2, तो 1/2 बाहर है, फिर ब्रैकेट 1 cos 2θ, तो यहां साइन स्क्वायर के एंगल में थीटा है, तो थीटा के जगह पे यहां पे क्या है, 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर के अंदर यहां पे थीटा है, तो यहां साइन स्क्वायर के अंदर क्या है, 2x प्लस 5 है, तो थीटा के जगह पे 2x प्लस 5 रखेंगे, इट मींस कि cos 2, अब थीटा, थीटा मतलब एंगल क्या है, 2x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फार्मूला का हम इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, ये फार्मूला अब मिटा देते हैं, आपको बस समझाने के लिए लिखे थे। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट होता है ना, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो हम लोगों ने 1/2 को बाहर कर लिया, तो ये बाहर क्या सिर्फ 1 के लिए होगा कि पूरा के लिए होगा, पूरा के लिए बाहर होगा। अब जो है इंटीग्रेशन को तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन टूटेगा 1 के साथ, तो 1 dx, क्योंकि प्लस और माइनस में रहता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर माइनस, इंटीग्रेशन कॉस के अंदर का बात करें तो 2 से गुना कर दो भाई, 2 × 2 = 4x प्लस 10, क्योंकि अंदर में तो गुना हो ही सकता है, 2 × 2 = 4x प्लस में 10, और बाहर में क्या, dx। ये हो गया दोस्तों 1/2 जो कि बाहर है, 1/2 जो कि बाहर है। हम देख पा रहे होंगे यहां से कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन ओनली x होता है। फिर माइनस cos 4x प्लस 10 dx, दोस्तों cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है,
कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 10, और इसमें डिवाइड किया जाता है, x के बगल में 4 है तो 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए प्लस में c, ठीक है। तो कुल मिलाकर आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, जरा देख लीजिए। तो आंसर तक अगर हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1/2 को x से गुना करेंगे क्योंकि 1/2 जो बाहर था वो दोनों के बाहर है, इस 1/2 को एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार बाद वाले के साथ गुना करेंगे, तो 1/2 को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बाय 2 माइनस, ऊपर कितना है साइन 4x प्लस 10 बाय 2/4 जा 8 प्लस में सी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये एक पहला एग्जाम्पल था जिसकी सहायता से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को सिखा रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो ये पूरी की पूरी चैप्टर जो है ना एक फार्मूला पे आधारित है। आपको जितना भी 7.3 एक्सरसाइज में फार्मूला चाहिए होता था उसको मैंने प्रोवाइड किया है, उसको मैंने आपको सबको एक एक चीज एक एक फार्मूला को आपको दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस तरीके से है साइन के पावर फोर, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन आपको खुद पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसका होता है 3 प्लस कॉस 4x, यानी कि इसका फार्मूला होता है 1/2 को बाहर करके, यानी कि 1/2 को क्या कर देना है बाहर, सॉरी 1/2 नहीं, बाई मिस्टेक 1/8, आप फार्मूला अच्छे से देखिए, 1/8 को बाहर कर लेते हैं और फिर हमें 3 प्लस कॉस 4x, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, यहां पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे थीटा रहता था साइन के पावर 4 थीटा, तो हम लोग थीटा में ही आंसर करते थे, ठीक है, किसने आंसर करते थे भाई थीटा में, साइन के पावर 4 थीटा था तो यहां फार्मूला करते थे 1/8 बाहर निकालकर, 1/8 बाहर निकालकर 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x और बाद बाकी dx लिखा करते थे। अब दोस्तों करेंगे क्या, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, सबके बाहर कर दिया, एक बार 3 के साथ dx को लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट, एक बार 3 के साथ dx लेंगे और फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहां पे cos 4x dx, फिर माइनस है माइनस, इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे 4 cos 2x dx, ठीक है। यानी कि हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग कंडीशन आते हैं, तो यहां पे अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग कंडीशन को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको टू दी पॉइंट फार्मूला लगाने आता हो। तो यहां तक के देख पा रहे होंगे आप, फार्मूला तो लगा दिया 1/8 को बाहर कर दिया, ब्रैकेट ये वाला इंटीग्रेशन 3 के साथ आया, ये इंटीग्रेशन cos 4x के आया, सबके साथ इंटीग्रेशन लगा दिया तो सबके साथ dx भी होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, 1/8 ब्रैकेट 3dx, तो 3dx का मतलब क्या, 3dx का मतलब इसका इंटीग्रेशन 3 को बाहर करेंगे तो अंदर में बच जाएगा dx, ठीक है, 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहां हो जाएगा sin
4x बटा में x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 4 है तो 4 से भाग कर दिया, माइनस 4 कांस्टेंट है तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन से अंदर क्या बचा, तो cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1/8 कांस्टेंट जो है वो बाहर है फिलहाल यहां पे, आप देख पा रहे होंगे 1/8 तो हर हाल में बाहर ही रहेगा, ठीक है, 1/8 तो बाहर ही रहेगा एकदम ऑलरेडी। यहां पे 3 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ होता है x, पता है ना, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x। अब ये तो इंटीग्रेशन हो चुका क्योंकि पहले इंटीग्रेशन हट गया यहां पर, तो इंटीग्रेशन करके कितना आया, तो साइन 4x बटा में 4 माइनस 4 का 4 लिखेंगे, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, तो cos 2x का होता है, cos का होता है साइन 2x और x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से भाग कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। इस तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन बन गया। अब सबको बारी बारी से गुणा कर दो आप, तो 3x को 8 से यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3x बाई 8, जब इसको और इसको गुणा करेंगे तो प्लस साइन 4x बटा 8 चौका कितना 32 माइनस, जब इसको दोस्तों गुणा करेंगे इससे, तो यहां पे तो आप देख पा रहे होंगे 2 से ये कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, जब 1/8 को इससे गुणा करेंगे तो 2 से भी ये 4 बार में नीचे कटेगा, तो यहां हो जाएगा साइन 2x बटा में 4 प्लस में क्या c। तो इस तरीके से आप देख पाए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हम लोग कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 2 था, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कैसी सिचुएशंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और फिर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2 था, चलिए आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सभी देख लो भाई 7.3 एक्सरसाइज में ना, 7.3 एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन फार्मूले पे हैं, सभी क्वेश्चन किस पे हैं, फार्मूले पे हैं, और सभी क्वेश्चन अगर फार्मूले पे हैं और आप अगर उनको समझ पा लेंगे, फार्मूले लगा लेंगे, उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोल रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, और दिया हुआ क्या हुआ है, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स कॉस एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो आप एक फार्मूला पढ़े थे ना, अभी आपको बताया है कौन सा फार्मूला चलेगा भाई, आप पढ़े होंगे 11th में साइन इनवर्स, सॉरी 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। तो क्या यहां से साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में लिख सकते क्या, ये प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां से अगर चीजों को हम लोग देख पाए तो साइन इनवर्स के अंदर कॉस एक्स है, यानी कि एक्स की जगह पे यहां पे क्या है कॉस एक्स, तो फार्मूला क्या होता है π/2
माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां बनेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। क्यों? आप मामला को समझो भाई, मामला समझो। यहां साइन इनवर्स थीटा होता, एक्स के जगह पे देख लो थीटा होता, तो साइन इनवर्स थीटा का फार्मूला हो जाता पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। लेकिन यहां पे साइन इनवर्स थीटा के जगह पे तो कॉस एक्स है, तो जहां जहां थीटा है वहां पे कॉस एक्स रख दिया। अब आप बात कर रहे होगे यहां पे कि हम लोग तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन, और ये है अंदर पाई बाई टू माइनस। अब ये एक फार्मूला होता है कि एक अगर इनवर्स में रहे और दूसरा बिना इनवर्स में रहे, ठीक है, तो इसका वैल्यू ये दोनों का कट के कितना हो जाता एक्स। तो देख पा रहे होंगे यहां पे पाई बाई टू का तो पाई बाई टू रख दिए। अब एक फार्मूला पढ़े ना हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये कैंसिल आउट कर एक्स बच गया यहां पे। और हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे ना भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे कि साइन इनवर्स और साइन थीटा रहता है तो ये साइन का पावर वन है और ये माइनस में है तो कट के सिर्फ थीटा बचता है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो गया सिर्फ एक्स। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में अलग अलग टूटेगा, तो पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, अलग अलग दोनों के साथ इंटीग्रेशन टूट गया। तो अलग अलग जब इंटीग्रेशन टूट गया दोस्तों, तो अब हम लोगों को बच क्या रहा है, बनेगा क्या, तो देख पा रहे होंगे जो हम लोगों को अभी बन पा रहे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है, पाई बाई टू डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, पाई बाई टू को हम लोग बाहर कर लेंगे तो यहां से बचेगा डी एक्स माइनस ये एक्स और डी एक्स है ना, तो एक्स और डी एक्स का, एक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो पावर वन ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स के पावर वन प्लस वन बटा में वन प्लस वन प्लस सी, फार्मूला लगा दिया एक्स के पावर एन का, तो यहां पे क्या बच रहा होगा पाई बाय टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स माइनस ये बच रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये आंसर आ रहा है, कितना आया आंसर पाई बाई टू बाई एक्स, पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। दोस्तों तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 7.3 में ऐसे ही आप रूल यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो आज के लिए आपको जो काम देते हैं दोस्तों, बढ़िया से अच्छे तरीके से आप ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले को रट लो, याद कर लो, और दूसरे तरफ जो इंटीग्रेशन का नया, किसका किसका, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का, ये चार इंटीग्रेशन और बढ़ गया है, इनका इंटीग्रेशन का फार्मूला आप याद रख लो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 7.3 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में थ्योरी को हम लोग समाप्त कर दिए हैं, पूरी थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, पहला तो रिमेम्बर कर लेना है आज की क्लास में फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, और अगर आपसे बन पाता है एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन में तो एक से लेकर पांच तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है, एक से लेकर पांच तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करने का ट्राई करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं, आपसे अगर सवाल बनता है तो बनाइए, अगर नहीं बनेगा अगले क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा तो हमारे लिए
इजी वे में सवाल का सॉल्यूशन बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।